हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से हाई किल ले सकते हो। इस वीडियो में आपको टॉप 9 टिप्स ऐसे बताने वाला हूं जिसके जरिए आप हाई से हाई किल निकाल सकते हो अपने इरेंगल सोलो वर्सेस स्क्वाड मैचेस में। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टेप नंबर 1, प्ले विथ कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स PUBG के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है जिसके ज़रिए हम गेम खेलते हैं। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम सबसे पहले तो उतरते ही मारे जाएंगे। हमें हर एक एनिमी से डर लगा रहेगा कि वो बंदा मुझे मार ना दे। तो सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। अगर आप हमेशा स्क्वाड खेलते हो तो सबसे पहले चीज़ आप ये जान लो कि सोलो स्क्वाड खेलना आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप सोलो स्क्वाड ज़्यादा से ज़्यादा खेलोगे तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। आपको ये नहीं ध्यान देना कि मैं उतरता हूँ तो कितनी बार मरता हूँ। हाँ, अगर आप 30 बार गेम खेलते हो जिसमें से अगर आप 30 में से 20 बार मरते हो तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। टूटेगा नहीं, आप हारोगे तो आप कुछ सीखोगे, आपका कॉन्फिडेंस इसमें टूटने वाला नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है कि अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप रखना है। तो पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, चूज हॉट ड्रॉप्स। आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि मेरा प्लेन पैथ कहीं से भी होकर गुजर रहा है तो मुझे जहाँ पर उसका हॉट ड्रॉप है वहीं पर ही जंप करना है। जैसे न्यूमो, मिलिट्री पेस, जॉर्ज पुल, पुचिंग की ये है एक एरेंगल का हॉट ड्रॉप्स एरिया, तो आपको यहाँ पर जंप करना है जिसके ज़रिए आपको एक अच्छा स्टार्टिंग में किल मिलेगा और उसको आप आगे चलकर एक बड़े किल में कलेक्ट कर सकते हो। तो हमेशा हॉट ड्रॉप करिए। पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो पॉइंट नंबर 3 ये आती है कि डोंट पैनिक इन एनी सिचुएशन। स्टार्टिंग में जब आप सोलो स्क्वाड खेलोगे तो हो सकता है जब 10, 20, 50 मैच खेलोगे तो स्टार्टिंग में आपको बहुत पैनिक होगा, आपका हाथ नहीं काम करेगा, आपका हाथ कांपेगा बंदा आपके करीब में आएगा तो आपको बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है आपको कि कभी भी पैनिक नहीं होना है। बस आपको ये ध्यान देना कि ये एक गेम है, तो मैं मरूंगा तो नेक्स्ट गेम लगाऊंगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कभी भी पैनिक मत होइए, पैनिक होने से कुछ नहीं चलता, आप ज़्यादा से ज़्यादा सोलो स्क्वाड खेलिए। तो फ्रेंड्स टिप नंबर 4 ये है कि आपको जब भी किसी एनिमी को नॉक करो तो उसको कोशिश करो कि जल्दी जल्दी उसको किल कर दिया जाए, क्योंकि अगर वही बंदा आगे चल कर आप खड़ा हो जाता है तो आपके लिए हमेशा परेशानी खड़ा करता है। तो हमेशा आप ये कोशिश करें कि जब भी आप किसी भी एनिमी को नॉक करें तो उसको जल्द से जल्द या वहीं पर फिनिश कर दें या उसको उसके ऊपर ग्रेनेड या मॉली करके उसको फिनिश कर दिया करें, जिससे कि आप उन सामने वाली एनिमी की स्क्वाड की एक हड्डी को तोड़ देते हो। तो ये चीज़ अपने अंदर ज़रूर ध्यान दिया करो और इस चीज़ को ज़रूर अपने गेम प्ले के अंदर ऐड करो। तो फ्रेंड्स टिप नंबर 5 ये है कि आपको वेस्ट एंड हेलमेट्स की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप जंप करते हो स्क्वाड में अगर स्टार्टिंग हॉट ड्रॉप पे तो आप ये मत ध्यान दिया करो कि मेरे पास वेस्ट है या नहीं है, मेरे पास हेलमेट है या नहीं है। आपको सिर्फ घुस कर मारना है। बस हम लोग के अंदर सिर्फ चूतियाफा भर दिया गया यूट्यूबर्स के जरिए कि वेस्ट हेलमेट होगा तभी आप सोलो स्क्वाड को वाइप कर पाओगे, ये कर लोगे, वो कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, आप डाउन हो जाओगे। मेरा एक गेम प्ले है, मैं क्राउन 3rd इस की मैं गेम प्ले की बात कर रहा हूँ, मैंने 2 स्क्वाड में मारा था जिसमें से #27 स्क्वाड विंस की स्क्वाड को भी मारा था। 2 स्क्वाड एक साथ लेवल 1 बेस्ट पे मैंने स्क्वाड वाइप किया था, मेरे टिकटॉक आईडी पर है। तो इसको आप ज़रूर देखो और आपको ये नहीं दिमाग के अंदर डालना कि मेरे पास वेस्ट है, हेलमेट है तो ही मैं स्क्वाड मार पाऊंगा या स्क्वाड को मैं वाइप कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स अपने अंदर से ये गंदगी निकाल लो यार, सब कुछ डिपेंड करता है योर स्किल। ये सब चूतियाफा है, सिर्फ चूतियाफा है, अपने ऊपर बिलीव किया करो यार। तुम कवर में ले खेलोगे ना तो बिना वेस्ट से बिना हेलमेट से भी आप अच्छे अच्छे बंदों को तोड़ गिराओगे। तो फ्रेंड्स हम गलती क्या करते हैं कि हम लूटते हैं बड़े आराम से हैं, हमको हमेशा चाहिए कि हम लोग जल्दी जल्दी लूट कर और अपने हॉट ड्रॉप्स को छोड़ें या नेक्स्ट लोकेशन की तरफ बढ़ें। तो फ्रेंड्स आप हमेशा ध्यान दिया करो कि आपका अलाइव कितना बता रहा है, कितने दिन में आपको, जब तक 40 अलाइव जब तक रहें आपको वहाँ से छोड़ देना अपने हॉट ड्रॉप को क्लियर करने के बाद। 40-35 मिनिमम आपको जल्द से जल्द अपने हॉट ड्रॉप को छोड़ना है लूट करके। तो फ्रेंड्स स्टेप नंबर 7 है, मार्क योर नेक्स्ट लोकेशन। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, कोई बंदा ये नहीं करता सिर्फ जॉर्ज से गाड़ी उठाता है और निकल जाता है कहीं भी, कहीं से भी जाता है, उसको कोई पता नहीं रहता मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो सबसे पहले चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, मुझे जाना कहाँ पर है, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दो। और आपको इसको किस तरीके से ध्यान देना है मैं आपको बताता हूँ अगले टिप पे। सो फ्रेंड्स टिप नंबर 8 है, प्रेडिक्ट योर एनिमी बाय मैप।
अगर हम जॉजफुल होते हैं सबसे पहले तो अपने आप प्लान पैथ को याद रखो कि मेरा प्लान पैथ कहां से कहां तक गया है। मेरा प्लान पैथ गया है जॉर्जियो से, तो मुझे ये ध्यान देना है कि बंदे जा कहां सकते हैं। अगर बंदे जॉजफुल आएंगे, जॉजफुल के बाद बंदे जो रोजॉक जाएंगे, सेवर नहीं जाएंगे या स्नै जाएंगे, कोचिंग की जाएंगे, स्कूल जाएंगे, तो आपको ये ध्यान देना है कि पहले मैं जॉर्जफुल जाऊंगा, फिर मैं रोजॉक जाऊंगा, फिर मैं स्कूल जाऊंगा, फिर मैं कोचिंग की जाऊंगा, क्योंकि तब तक सेवर्निक बंदे रोजॉक आ चुके होंगे और यासनाइक बंदे कम से कम शेल्टर या स्कूल की तरफ आ चुके होंगे। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान देना है, अपने एनिमी को प्रेडिक्ट किया अगर वो बंदा जा कहाँ सकता है, अगर यहाँ नहीं आएगा तो ये यहाँ तो जा ही सकता है। और हमेशा जब भी आप कोई भी कार से जाया करो तो रोजॉक में बाई रोड जाया करो, रोजॉक बाई रोड, स्कूल बाई रोड, पोचिंग की बाई रोड, और हॉर्न देते हुए, कार की हॉर्न देते हुए, जिससे आपको एनिमी का लोकेशन पता चलेगा, एनिमी है कहाँ पर, फिर उसके बाद अपनी कार को लगाकर फिर आप एनिमी को आराम से किल कर सकते हो। तो इस चीज़ को आप बहुत ज़रूरी चीज़ है यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनिमी को ढूंढने के लिए, कोई बंदा ढूंढ ही नहीं पाता एनिमी को, तो प्लेन पैथ याद रहेगा तो आपको ये पता रहेगा ना कि बंदा जा कहां सकता है। तो सबसे पहले अगर आप जल्दी जल्दी हॉट ड्रॉप करोगे, जल्दी से हॉट ड्रॉप से निकलोगे, तो बंदे रोजॉक में ही रह जाएंगे, आप तब तक रोजॉक में भी आ जाओगे, फिर उसके बाद पोचंकी भी चले जाओगे, वो बंदे वहाँ से निकल नहीं पाएंगे, और यहाँ पर आप रोजॉक जॉर्जपुल क्लियर कर चुके होंगे। तो ये चीज़ अपने अंदर रखा करो यार कि मुझे अपना नेक्स्ट लोकेशन कितना जल्दी चूज़ करना है, कितना जल्दी आगे की तरफ बढ़ना है, बंदे कहाँ आ सकते हैं, अपने अंदर प्रेडिक्ट करा करो। अगर बंदा जॉर्जपुल नहीं आया तो बंदा डेफिनेटली रोजॉक या कोचिंग की गया होगा, तो मैं पहले रोजॉक चलता हूँ, फिर वहाँ से क्लियर करते हुए वहाँ बंदा है या नहीं है, उसके बाद मैं कोचिंग की चला जाऊँगा, कोचिंग की चला जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं जोन में जाऊँगा उसके बाद। तो ये सब चीज़ अपने अंदर ज़रूर ध्यान दिया करो यार, अपने माइंड में रखा करो इस सब चीज़ों को। ये बहुत ही ओपी टेप है यार, कोई भी प्रॉब्लम आपको ये सब नहीं पता था, मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से मैं भी हाई किल निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले टिप की तरफ। फ्रेंड्स जो लास्ट टिप आती है वो ये है कि ऑलवेज प्ले एग्रेसिव, हमेशा एग्रेसिव खेलने की कोशिश किया करो, किसी भी स्क्वाड को जल्द से जल्द मारने की कोशिश किया करो, और उसकी अगर किसी बंदे को अगर आप डाउन करते हो तो उसको जल्द से जल्द क्लियर करो, और एग्रेसिव मतलब थोड़ा सा फास्ट यार, मतलब किसी बंदे को मारो उसकी स्क्वाड लगना चाहिए कि हाँ तुम बंदे फास्ट हो, नॉक कर रहे हो तो वहीं पर तुम ग्रेनेड कर दो, मॉली कर दो, एक्सेट्रा, इसे एग्रेसिव कहते हैं कि तुम एग्रेसिव रहो किसी भी स्क्वाड के। लास्ट बोनस टिप ही एक बेसिक टिप मैं बहुत बता रहा हूँ, जिससे कि आपका जो शुरू से स्क्वाड खेलने का तरीका थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप गन स्विचिंग में स्लो हो तो प्लीज़ थोड़ा सा गन स्विचिंग को आप इम्प्रूव करो, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है गन स्विचिंग, आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिएक्शन टाइम आपको एक अच्छा देता है, और उसके बाद अपनी जो मूवमेंट है, मूवमेंट इसमें ऐड कर लो, अपना मूवमेंट थोड़ा सा फास्ट कर लो यार। अगर आप जो बोर्ड की तरह जो रन करते हो ना उसमें थोड़ा सा मूवमेंट में इन्हेंसपन लेकर आओ यार, अट्रैक्टिव लेकर आओ, थोड़ा अपने जॉयस्टिक से मूव कराया करो। आपको नहीं समझ नहीं आता किस तरीके से करना है तो मेरे वीडियो में, मेरे प्रोफाइल में जाकर आप यूट्यूब चैनल में एक मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको ज़रूर देखो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।